भैया जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आपका क्या नाम है? नाम गंभीर। कोड कितना है? कोड हमारा है 62। गांव कौन सा है? गांव बिलवार खेड़ा। भैया ये बताइए, असर इनिशिएटिव से जो जानकारी आपको दी गई है जी, तो पशु को पानी कितनी बार पिला रहे हो? पानी पहले तो उतना नहीं पता था, जब से हमको कंपनी वालों के द्वारा जानकारी दी गई है तब से हम तीन से चार बार पानी पिला रहे हैं। अच्छा अच्छा। बराबर। पहले कोई जानकारी नहीं थी कोई, तो उस हिसाब से दो बार तीन बार तो इस हिसाब से अब जो है जानकारी मिली है तो रेगुलर हम चार बार पानी पिला ही देते हैं। अच्छा। पशु पिए या ना पिए तो चार बार पानी तो दिखा ही देना है। जी जी। हाँ अच्छा, कीड़े की दवा खिलाई है? हाँ, कीड़े की दवा खिलाया है, जानकारी नहीं थी तब नहीं थी, इसके बारे में हमको महत्व के बारे में पता चला तब से हम 3 महीने के अंतर पर कीड़े की दवाई देते हैं। हाँ। और साल में 4 बार ये दवाई देना चाहिए। दे ही रहे हैं। अच्छा, जब से जानकारी मिली है। अच्छा अच्छा। और उससे पहले कुछ इतना पता नहीं था। अच्छा, नमक के बारे में कुछ बताइए। नमक के बारे में, नमक भी स्टार्ट किया, जानकारी मिली कि इतना लाभदायक होता है तो नमक भी तब से देने लगे। कितना खिला रहे हो? नमक जो है 30 ग्राम दे देते हैं। मतलब प्रति पशु। हाँ हाँ, तो हम 30 ग्राम नमक दे रहे हैं। हाँ, पर डे पर डे पर डे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, असर से सब कर, असर की जो जानकारी दी गई है जी, तो सब करने पर क्या कोई दूध में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, दूध में बढ़ोतरी हुई है, रेट में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो रेट में जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि फैट अच्छी आ रही है। अच्छा। पाउडर अच्छा आ रहा है। हाँ। तो उससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी में बढ़ोतरी हुई है। मेन चीज तो है, हम तो पैसा देखते हैं, अगर पैसा रेट सही लगा है तो हमें पता चल जाता है कि दूध में हमारे बढ़ोतरी हुई है। तो मतलब दूध और रेट में दोनों में बढ़ोतरी। हाँ, क्वालिटी और एक तरीके देखा जाए क्वांटिटी दोनों में वृद्धि हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ। और पशुओं को चारा कैसा दे रहे हो? चारा हम हरा चारा दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हरा चारे में बरसी मरसी में है इस समय तैयार है तो वो दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। इस समय मतलब